और क्या बोलते हैं आज नवरात्र। कहा था मैंने गिरेगी गिरेगी, बच गई। ऐसे अच्छी लग रही हो? हाँ वो लग रही है, उसने वो स्त्री का लाना। ओ बाप रे, ओ पैर बहुत जोर से दबाती है, डर गया, पैर बहुत जोर से दबाती है मेरे। क्या देख रहे हो ये? उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे पापा की चल रही मंदिर में सफाई और मम्मी यहाँ पे बना रहे हैं माला। कौन से फूल लेके आए? अच्छा ये वाले फूल है, इसकी अभी माला मिलेंगी। मम्मी मिल गई सुई? नहीं मिली। Nope. अभी क्या था वो मिला था जो हाथ में टूटा हुआ नीचे से? ये वाले हार पे धोनी पड़ेगी ना। कौन सी वाली? ये हाँ इनको धोएंगे, मैं धो देती हूँ अभी। क्या क्या धोना है मेरे को दे दो, बोल अब। कहाँ रखना है? हाँ धोने वाला सामान दे रहे हैं ना दादा। ये भी दे दो, वो दे दो, सारा दे दो। तो अंदर मम्मी ने मंदिर की साफ सफाई कर ली है, मम्मी और पापा ने, और मैंने बाहर यहाँ घर की साफ सफाई कर ली है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं सुबह से। अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और हमारा सारा काम हो चुका है। तो आज है फर्स्ट नवरात्रि, तो आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आपको सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और खुशियाँ बांटते रहे। तो बस अभी मैं नहाती भी हूँ, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद फिर ये जो मंदिर का सारा सामान है इसकी भी सफाई कर लेते हैं अच्छे से। तो 9 दिन ना अब बहुत रौनक लगी रहेगी, मज़ा आएगा, घर में क्या बाहर क्या मार्केट में क्या, बड़ा अच्छा लगता है ये 9 दिन जो होते हैं ना। तो हर साल मैं व्रत रखती थी पर इस बार नहीं रख पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, माता रानी की जैसी इच्छा। तो अब चलते हैं जल्दी से, हम नहा धो लेते हैं। और डड्डू ने आप लोगों को बता ही दिया था कि अब हम करने वाले हैं डेली ब्लॉगिंग। कोशिश हमारी यही है कि हम डेली से डेली ब्लॉग डालें और आप लोगों का जो कमेंट्स आते हैं ना आप लोगों के रिप्लाई भी कर पाएं। बहुत सारे लोग हमसे गुस्सा होते हैं कि हम आपको इतने कमेंट्स करते हैं, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। तो अब कर रहे हैं हम कोशिश, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग नहीं हो पाते। डेली ब्लॉगिंग करना ना बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम सोच रहे हैं करने के लिए। सबसे पहले तो अब मैं जाती हूँ फटाफट से नहा धोके ना रेडी हो जाती हूँ। ये देखो यहाँ, ये वो छोटा बच्चा तो है ही है, ये ज्यादा छोटे बच्चे बने हुए ही है। यहाँ चल रहा है कृष्णा कृष्णा। हर्षी ना कृष्णा को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है, इसका फेवरेट है ये। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, जब हर्षी मेरे पेट में थी ना तो मैं कान्हा जी के भजन सुनती रहती थी। आप लोगों को दिखाया भी था मैं, जो डायरी में भजन होते हैं ना वो डायरी में भजन लिखती रहती थी कान्हा जी के। अरे यार मैं तो भूल ही गई, गाइस हम लोग तो माइक लेके आए हैं, माइक लगाती हूँ तब आप लोगों को क्लियर सुनाई देगा। ये देखो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्णा लगा दो, बस हो गया, उसके बाद आराम से सोई रहती है। देखो आराम से देखती रहती है। तो ढड़ू अभी ऊपर है स्टूडियो में, उनको पूछती हूँ माइक कहाँ रखा है। Alexa, backlight on. The backlight isn't responding. Please check that the manual switch is turned on. And that the device has power and is online. Alexa, front light color change white. Okay. अंग्रेजी देख रही है मेरी? Front light color change white. समझ भी जाती है ये सब चलो है। तो क्या बोलते माइक किधर है? Where's the mic? I don't know where's mic. चावा अंग्रेज मत बोलो ठीक है? किधर है? नीचे है। क्यों? नीचे किधर? माइक यार मैं ब्लॉग बनाई जा रही हूँ तो माइक किस लिए लाए थे हम लोग? बड़ा हाँ पापा कहाँ पे रख रखा है? ठीक है समझ गई। नहा लो, पूजा करनी है। हाँ 5 मिनट में आओ। तो अब नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपको माइक के साथ। ए तो चमक क्यों रही है प्रिया, तू थोड़ी अपनी ब्राइटनेस कम कर। नहीं ऐसे नहीं होता, गेट रेडी विद मी बनाया मैंने। क्या गेट रेडी विद मी? विद मी यार ये ऐसे ना कितनी अच्छी लग रही है तू। हां अरे बहुत अच्छी लग रही है, पता है ऐसे अच्छी लग रही हूं। हां वो लग रही है, उसने वो स्त्री का लाना। सही में वही लग रही है यार। चलो मेरी एक रील बना दो। तो गाइस हमारी पूजा जो तो हो गई है अब, और क्या बोलते हैं पापा तो चले गए ड्यूटी और सभी लोग अभी हैं हम लोग घर पे, सागर भी अभी चले गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना क्यों ना रील बनाई जाए, बहुत दिन हो गए रील नहीं डाली है। तो मैं इनसे बनवा रही हूँ रील, और रो रो के बना रहे हैं। पता है कैमरे के पीछे इतना सड़ा सा मुंह है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको।
क्योंकि इतनी धूप में मैं खड़ा हूँ, इतनी धूप में मैं सड़ रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, ये छांव में खड़ी आराम से बोल रही है यहीं पे वीडियो बनाते हैं। पागल हूँ मैं, ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ बोलूंगी मैं। यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा था व्यू, पीछे देख बैकग्राउंड कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे अपनी रील बनवाना। तो गाइस मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गई, जो मैंने सूट पहना है ना, ये सूट है मेरा 2 साल पहले का, ये देखो, और ये आज मुझे आ गया है। मैं पता नहीं भूल गई, पता नहीं कैसे भूल गई यार। है ना लड़ू, आ गया ना? लग तो रहा, आ गया। ये क्या होता है? आ ही गया, पे ठीक है, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। थोड़ा सा बस पेट में वो लग रहा है, कोई नहीं, बस आ गया, इतना ही बहुत है। कैमरे के पीछे लोग कोई नहीं देखता है, कैमरे के आगे वाले आहा मस्त, क्या वाह गजब, कैमरे के पीछे जो मेहनत लगी है उसको कोई मोल नहीं। ठीक है यार चल जा, पसीने तर बतर। आपको ठंडा ठंडा पानी पिलाऊ, आ जाओ, चांद बूझ के करेंगे अब। ए बिड़ो चल, नौटंकी देख रहे हो? नौटंकी नहीं है सही में, इतनी धूप आ रखी है फिर भी। अभी तो ये मेरे को घुमाने भी लेके जाएंगे। गिर मत जाना, फोन छोड़ दे पहले, चल लेनी। देख रहे हो? हाँ। देखो अभी डड्डू ने बोला मैं तुझे घुमाने ले जाऊंगा, प्रिया मूवी दिखाने के लिए ले जाऊंगा, ऐसे तो वहां तो जाना ही है ना। नीचे चल यार, पहले ठंडा पानी पिला मेरे को थोड़ा। और क्या बोलते हैं आज नवरात्रि, कहा था मैंने गिरी गिरी बच गई, पता नहीं अभी कद्दू फूट जाता। तो कैसे थोड़ी देर पहले ना प्रिया संतूर मॉम बनी थी, एकदम खतरनाक मॉडल बन रखी थी, और अभी आ गई अपनी औकात में, वही मतलब कपड़े वपड़े खोले, वीडियो बन गई, रील बन गई, बात तैयार शैर हो गई। ये हम वैसे ही हैं, ये देखिए, ये हमारी टी शर्ट, हमारी टी शर्ट छोड़ना मत कभी, ठीक है? आप तो सही हो, लेकिन मम्मा इससे पहले मम्मा ने एक सूट पहना था, अभी मम्मा ने कल कुश्ती लड़ी थी ना, हाँ, उसका असर हो रहा है। किसने बोला लड़ने को, किसने बोला था? कौन था? कौन? जय जय लगने वाला कौन था? जय जय क्या होता है? मतलब खुशगिड़े लगाने वाला। खुशगिड़े क्या होता है? ये मेरे को नहीं पता क्या होता है। ये कैसे कैसे वर्ड यूज़ है, झाई झाई कौन लगा रहा है, खुशगिड़े कौन लगा रहा है, और लल्लड़ कौन कर रहा था? दर्द हो रही कमर में, तो क्या करूँ फिर मैं? कुछ नहीं, अभी हर्षी को नहलाना यार, इसलिए चेंज किया, अभी थोड़ी देर में फिर से सूट पहन लो। ओहो चलो नाश्ता कर लो, नाश्ते में हम ये खाते हैं गाइस। आजकल हमारे घर में मिर्चियाँ लगी हुई ना, ऊपर मिर्ची का पेड़ है, इसलिए हम मिर्ची खाते हैं। खिला मत दियो सही मिर्ची, मैं मारूंगा प्रिया। दोपहर तो इसीलिए हम दोपहर को जा रहे हैं मूवी देखने। मम्मी ने कहा था कि अभी आप हम आज कल की बात है, मम्मी ने कल कहा कि आज हम मूवी देखने जाएंगे नर्सो, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो इसलिए मैं देखो मैंने बाल बना लिए और ये पेन मेरे हाथ में। मम्मी कह रही कि तू तब टेप पकड़ में लगा दूंगी, और मैंने टी शर्ट और पेंट भी पहन लिया। हमारे साथ आज जलेगा टूटा है, यहाँ पर मम्मा भी रेडी है। देखो पहले मम्मी सूट वूट पहन थी, अब देखो कैसी हो गई। मम्मी जी रेडी? रेडी हो रही हूँ मैं। चाचू जी क्या है वो? चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ मॉल के लिए। मॉल? अरे डिमांड वाल नहीं, मूवी देखने। अरे वो आप छोड़ो, बस रेडी हो जाओ। तो कैसा भी हो चुके दोपहर, और मुझे जाना है बैंक में किसी काम से, तो सोच रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया मूवी देखने भी नहीं गए, तो गौतम की भी छुट्टी है, तो गौतम भी कह रहा है कि मैं भी चलता हूँ मूवी देखने। तो गौतम, मैं, जिया और प्रिया, हम चारों जा, बेटा साइड हो, साइड हो, साइड हो, साइड हो। हाँ बोलो। देखो सेम सेम पैंट भी है। हमारी सेम सेम पैंट है, सेम सेम टी शर्ट है, हमारे सेम सेम कपड़े हैं। और यहाँ पर हमारी गाड़ी आ रही है, आज ड्राइवर मैंने रखा हुआ है, बताऊँ ये अपना ड्राइवर है। तो गाइस अभी मैं भी आ चुकी हूँ, और मेरा भी माइक कनेक्ट हो गया, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ भी साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ ही रही होगी है ना? हाँ अच्छा ठीक है, चलो हेलो अंदर आ जाओ। चलो चलो भगा दो, अच्छा भाई तू आजा, मैं चला रहा हूँ, उधर बगल वाली सीट में बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। तो गाइस मम्मी और हर्षी दोनों घर पे हैं, मम्मी ने व्रत रखा हुआ है, तो वो मम्मी मूवी देखने नहीं जाएंगे, मम्मी को लग रहा है थोड़ा लो सा फील हो रहा है, मम्मी रेस्ट कर रहे। वैसे भी हर्षी भी है, तो हर्षी का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए मम्मी और हर्षी यहाँ पर अंदर आराम से सोए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और हम जाते हैं एकदम इन्जॉय करके, मूवी देख के फिर आते हैं, और अपना काम करके, मेन चीज़ हमारा काम है जो मैं काम करने जा रहा हूँ, बाकी इसको बीच में रगड़ लिया।
तो गाइस इसमें एक फीचर और है एको वॉइस वाला, और एको वाला मैंने मोड ऑन किया है, तो एको मोड ऑन करके काफ़ी कहते हैं कि अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मतलब कहीं बाथरूम वाथरूम में हम बैठे हुए हैं, ऐसा वाला फील आता है। यार गाना गाना गाएंगे ना अभी, ये गाना कौन सा गाऊँ यार, बता ना मेरे लिए गा, तेरे लिए। चल ठीक है, तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। तो चलो भाई हम मॉल पहुंच गए, बैंक भी गए थे, बैंक वाला काम हमारा हो गया, बैंक में हमने क्या ही वीडियो बनानी है, और अभी आ गए मॉल में, और अभी दो बज रहे हैं, हम दो बज के कितने मिनट का शो है, दो ढाई ढाई का शायद, ढाई बजे का शो है, 2:20 का, देखते हैं क्या के वहाँ पे होता है, मिलता है हमको नहीं मिलती टिकट। यार मुझे जो भी कपड़े पसंद होते हैं मॉल में क्यों होते हैं, क्यों अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ और यहाँ पर अभी चल रहे हैं मोमोज, तो गैस अभी 10 मिनट पड़े हुए, 10 मिनट में हम सोचे कुछ खा लेते हैं, हमने लंच किया नहीं है, और 2:20 का शो है, 2:10 हो गए, और यहाँ पर मैंने सैंडविच का ऑर्डर दे दिया, जो जल्दी बन जाए उसके ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं अपना इंजॉय। ये कहीं भी जाना हो ये तो प्रिया ने मंगाने स्वीट कॉर्नस, ये छोड़ ही नहीं सकती बिल्कुल भी, और ये मोमोज छोड़ सकते बेटा, मोमोज नहीं खाते ज़्यादा पता है, मेरा फेवरेट मोमोज की पावर आ गई है अब तो, माइक लेके बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि आवाज़ इतना ज़्यादा, क्योंकि ना मॉल में ना रश बहुत ज़्यादा है और आवाज़ ऐसी है, इसलिए हमको माइक लेके बोलना पड़ रहा है, माइक लेके बोलो ना एकदम साफ क्लियर सुनाई दे रहा होगा, 100 मीटर तक है अरे हाँ रेंज भी ट्राई करके देखेंगे, ये भी हम ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं माइक के साथ और चेक करते हैं, हमें अभी एक काम करना ना, मैं वो वहाँ जाऊँगा, हाँ हाँ फोन ही छोड़ देना, ठीक है ट्राई हो जाएगा, ले पकड़ा फिर फैन मोमेंट, तो अभी पैसे मिल गए, जाके जूस लेके आते हैं, पाइनएप्पल कर दो 139 वाला, तो आपने देख लिया होगा वॉइस एकदम साफ क्लियर आ रही है, अभी माइक लगाया नहीं, वैसे मैंने माइक निकाल दिया और जूस ले लिया है, जूस पीते हैं और चलते हैं, मूवी का टाइम भी हो गया है। मूवी देख ली, मूवी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब ना कहीं मूवी का हमें ऐसा लगा कि बाहुबली की जैसे बनाई है, कहीं ना कहीं नहीं बाहुबली ही बनाई, टोटल बाहुबली ही बनाई उन्होंने, स्पेशली वन पार्ट दिया है, अब सेकंड पार्ट में ऐसा है ना जो अभी हम देख के आए ना, पूरा बाहुबली वाला सीन है, जैसे लास्ट में मतलब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, वैसे ही एक सीन हो गया कि वरा ने देवराव क्यों मारा, हाँ तो अभी हमें अच्छी है, मजा आया देखने में, अभी हमें सेकंड पार्ट में पता लगेगा, ये क्या कर रही है, उसको पर्स चाहिए, उसके पास इतने सारे पर्स है ना, तब भी उसने पर्स लेना है, बेटा पर्स चाहिए क्या आपको, नहीं बेटा नहीं लेना है, ना बाबू ना, आपके बहुत सारे पर्स है बेटा, नहीं लेना, चलो अरे चूहा चूहा इतना बड़ा चूहा 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 चलो इतना बड़ा चूहा। तो कैसे अभी ना प्रिया ने एक बार भी जो मसाज चेयर है उस पर मसाज नहीं करवाई है और ना ही गोतने करवाई है, तो इनको ये एक्सपीरियंस करवाते हैं कैसा होता है देखते हैं, मतलब जोर से तो होता है ना, और नहीं ज्यादा नहीं होता, जोर से तो नहीं होता ना, एकदम पीछे पानी निकाल दे, अरे नहीं नहीं थोड़ा सा वो पेट का सब निकाल दे, ये कितने के भैया, अच्छा वो लिखा हुआ है, अच्छा ये है इंडियन थेरेपी जैपनीज थेरेपी, मैंने तो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, मैंने किया हुआ है 3-4-5-6 बार कितनी बार किया हुआ है, तो प्रिया पहली बार कर रही है, गौतम भी पहली बार कर रहा है, तो मैंने कहा इसलिए इनको करवाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं घर, बच्चों को होता नहीं, अरे बंदूक मारे हो रही है, अरे गोद में बैठ भी जाएगी तो नहीं हो पाएगा, ओ बाप रे, ओ पैर बहुत जोड़ते दबाते डड़ू, पैर बहुत जोड़ते दबाते मेरे, कमरिया हिला दे फिर हो गया, बंदूक मारे जैसा हो रहा है, अब यहाँ पे ये खुलेगा, ये तेरे शोल्डर में मसाज करेगा, क्या कर रहा है तू गौतम, डांस करने का मन कर रहा है, म्यूजिक पे डांस कर रहा है गौतम, गौतम कह रहा है पीछे से कोई हथौड़ा छैनी लेके मेरे को मारने में लगे हुए हैं, तेरे को तराश रहे हैं, तराश रहे हैं तुझे, ऐसा ही लग रहा है, ओ जो मेरी पैर टूट गई मेरे, वो छोड़ते तो बहुत ही पैर, ओ बाप रे पीठ में कर रहा है, पीठ में पता कैसे कर रहा है, पता कैसे कर रहा है, ऐसे कर ये ऐसे कर ये ऐसे कर रहा है, ये देखो ओ बाप रे चुभ रहा है। तो यहाँ पर गौतम की मसाज हो गई है, गौतम की हमने करवाई थी, कौन सी जैपनीज करवाई है, जल्दी हो गया 14 मिनट में, और इसका भी हो ही गया वैसे फिलहाल, अगर उठने का मन नहीं कर रहा हो ना, मन कर रहा हो यहीं पे सो जाओ, तो बाल देना कैसे हो गए, बाल है ना, नहीं नहीं ठीक है, खराब हो ही गए, खराब उड़ गए, कैसा लगा एक्सपीरियंस तो बता दे एक बार, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ, चार्ज कम है इसमें, पहले हंसी आ रही थी,
रोलर रोलर टाइप होगा कुछ जो पेडिक्योर वाले में तेरे मशीन में है ना। नहीं 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 वो नहीं लेनी है, लेनी है तो वो भी नहीं लेनी, लेनी है तो ये वाली लेनी है, ये वाली लेनी है, ये वाली लेनी, नहीं तो लेनी नहीं है। और जब भी जिया आते हैं जिया को यहाँ से कैंडी लेनी जरूर होती है, जिया को हमेशा पता होता है पवेलियन में आए हमने कैंडी लेनी लेनी है। एक ये और एक ये। नहीं बेटा ये सब अच्छी नहीं होती है, ये खाने में मजा आता है, ये वाली कुछ नहीं, ये वाली गंदी गंदी बता रहे, ये वाली हाँ सब जैली वाली, अरे खट्टी मीठी होती है मजा आता है खाने में, इसमें मजा आता है। तो कैसे हम लोग पहुँच के घर और अभी एक हमें एक रूमर्स मिले हैं, कैसे थे अफवाह हमें मिली है कि जो टमाटर है वो हो गए 10 रुपए किलो और उसी का मौके का फायदा उठाते हुए एक रील बनाने जा रही है प्रिया और मतलब उसकी चटनी बनानी है। किस किस के यहाँ पे सच में 10 रुपए किलो हुए ये बताना कमेंट करके, हमारे यहाँ तो भाई 80 रुपए किलो पहुँचे हुए। चल अभी बना, अभी दिन रात चटनी बना, 10 रुपए किलो बन रखे ना, जो होंगे ना तभी सच में। एक एक टमाटर का दाना ना सोच समझ के डालना पड़ता है, कभी आधा डालते हैं और ज्यादा सब्जी तो कभी एक डालते हैं। अरे पूरी सब्जी, पूरी सब्जी इसकी बना, पूरी सब्जी दिन रात सुबह शाम होने तो 10 रुपए किलो हुए नहीं है अभी। अच्छा होने वाले शायद, पता नहीं, चलो रील बनाते हैं। तो लो भाई हमारी हो गई है चटनी यहाँ पे रेडी, 10 रुपए वाली टमाटर की नहीं कह सकते, ये है 80 रुपए किलो वाले टमाटर की, जिसको हम समझ रहे हैं कि टमाटर 10 रुपए किलो हो गए। यार टमाटर 10 रुपए किलो हो गया मजा ही आ जाएगा, उस दिन तो वो क्या बोलते हैं रसम, बोलता है रसम बात खाएंगे। रसम बात वो क्या होता है? टमाटर का बनता है रसम। अच्छा रसमों के साथ बनाते होगे, रसम रिवाज के साथ पूरा है ना। मम्मी ने खाना बना लिया है यहाँ पे, और मम्मी ने खाना क्यों बनाया तो बता दें आज, क्योंकि मम्मी का व्रत था ना इसलिए, व्रत था ना इसलिए क्योंकि जब व्रत जिसका होता है ना तो अच्छे से खाना बनाता है, मेरा तो था नहीं तो मैं सुबह शाम दोपहर में खाना खा रही थी, तो अभी मम्मी ने अच्छे से खाना बना लिया है, मैंने चटनी बना दी है, अब मम्मी डालेंगे फिर उसके बाद सबको देंगे और खाना खाएंगे।